नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम रिव्यू करने वाले हैं थायरोक्सिन सोडियम टैबलेट्स थायरोनॉम 75 mcg का। तो आज के इस वीडियो को आप सभी लास्ट तक देखिएगा, वीडियो हेल्पफुल होती हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो दोस्तों, थायरोनॉम 75 mcg डॉक्टर के द्वारा निर्धारित ली जाने वाली दवा है, जो कि मेडिकल स्टोर्स में टैबलेट दवाओं के रूप में मिलती है। इसे मुख्यतः हाइपोथायरॉयडिज्म का इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। थायरोनॉम 75 mcg के उपयोग की कुछ स्थितियां हैं जो कि मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। देखिए, ये जो मेडिसिन है इसे कितना लेना है या पूर्ण रूप से रोगी के वजन, लिंग, आयु और पिछले चिकित्सीय इतिहास पर निर्भर करता है। इसकी सही मात्रा इस पर भी डिपेंड करती है कि पेशेंट को, यानी कि मरीज़ की मुख्य समस्या क्या है और उसे किस तरीके की दवा दी जा रही है। इस बारे में मैं आपको बता दे रही हूँ। तो दोस्तों, थायरोनॉम 75 mcg 120 टैबलेट्स इसके अंदर आपको मिलते हैं। और इसके कुछ नुकसान भी हैं, इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ठीक है। इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं बिल्कुल लंबे समय तक नहीं रहते हैं, और एक बार आपका ट्रीटमेंट पूरा हो जाता है तो इसका जो इफ़ेक्ट्स जो है साइड इफ़ेक्ट्स वो भी पूरा कम्प्लीटली ख़त्म हो जाता है। अगर इसके साइड इफ़ेक्ट्स और बिगड़ जाते हैं या लंबे टाइम तक बने रहते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करना चाहिए। इसके अलावा थायरोनॉम 75 mcg का प्रभाव प्रेग्नेंट वुमन और सुरक्षित है उनके लिए, और ऐसी वुमन जो कि बच्चों को दूध पिलाती हैं इसका प्रभाव उनके लिए बिल्कुल सुरक्षित है। अब मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि थायरोनॉम का कुछ चेतावनी क्या है, ठीक है। तो दोस्तों, ये लिवर, हर्ट, किडनी पर क्या असर करती है, इसको क्या मेडिसिन लेने से क्या हर्ट से कुछ रिलेटेड समस्या होती है या नहीं, क्योंकि कमेंट में आप लोग बहुत बारी मुझसे पूछते हो, तो इसके बारे में मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूँ कि थायरोनॉम जो है कभी भी आपको अल्कोहल के साथ नहीं लेना चाहिए। अगर आप इस मेडिसिन को कंज्यूम कर रहे हो तो आपको अल्कोहल, ज़्यादा मीठा चीज़, ये सारी चीज़ें जो हैं अवॉइड करनी चाहिए। ज़्यादा स्पाइसी फूड, ये सारी चीज़ अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही अगर आप इस मेडिसिन को लेते हो तो आपका जो हाइपोथायरॉयडिज्म है वो बिल्कुल ठीक हो जाता है, मतलब थायराइड लेवल जो है एक मतलब लेवल में आ जाता है। एंड इसके जो लाभ हम कह सकते हैं वो है कि थायराइड कैंसर को या फिर घेंघा रोग को ट्रीट करने के लिए उपयोगी होता है। ये अधिकतर मामलों में दी जाने वाली थायरोनॉम 75 टैबलेट की खुराक है। इसे याद रखें कि हर रोगी और उनका मामला अलग अलग हो सकता है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। इसके लिए रोग दवाई लेने के तरीके, रोगी की आयु, रोगी का चिकित्सा इतिहास और अन्य कारकों का आधार डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं। तो देखिए, इसके साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं कि आपके सीने का फड़फड़ाना हो सकता है, आपकी धड़कन तेज़ हो सकती है, एंजाइना पिक्टोसिस आपको हो सकता है, मतली या उल्टी हो सकती है, दस्त हो सकता है, चिंता हो सकता है, मतलब आप फिजूल का टेंशन लेते रहोगे, आपका वेट घटने लगेगा, सिर दर्द होने लगेगा, आपको रात को नींद नहीं आएगा, अनिद्रा का शिकार आप हो सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि क्या ये जो मेडिसिन है गर्भवती महिलाओं के लिए सही है, क्या उन्हें कंज्यूम करना चाहिए इस मेडिसिन को या नहीं। तो देखिए, थायरोनॉम टैबलेट किसी भी प्रेग्नेंट महिला के लिए सुरक्षित होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या स्तनपान कराने वाली महिला इसे कंज्यूम कर सकती हैं। तो स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए भी ये बिल्कुल सुरक्षित है। अब हम बात करने वाले हैं कि क्या इसका प्रभाव गुर्दे पर होता है। तो देखिए, ये जो मेडिसिन है इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं क्योंकि इसका दुष्प्रभाव बहुत ही कम होता है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं कि इसका जिगर यानी कि हमारे लिवर पर क्या असर होता है। तो देखिए, थायरोनॉम टैबलेट का सेवन करने से आपके लिवर पर हानिकारक परिणाम देख सकते हैं। ऐसा ही कुछ आप भी महसूस करें तो दवा को लेने से बचें और अपने डॉक्टर से इस बारे में कंसल्ट करें। इसके साथ ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि क्या इस मेडिसिन का प्रभाव क्या होता है। तो देखिए, हृदय पर थायरोनॉम टैबलेट का उल्टा असर हो सकता है। डॉक्टर के परामर्श लिए बिना इस मेडिसिन को आपको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कि इस मेडिसिन के साथ आप इन दवाइयों के साथ गंभीर दुष्प्रभाव या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं अगर आप इस मेडिसिन को लेते हो। तो देखिए, आपको वारफरीन मेडिसिन नहीं लेना है। वार 5 टैबलेट, वार 2 टैबलेट, वार 1 टैबलेट, वारफैक्सिन 5 टैबलेट, फिर एप्रिडीन नहीं लेना है। इसके साथ आपको जोरेक्स कॉप सिरप नहीं लेना है, ठीक है। फिर आपको मेटफॉर्मिन नहीं लेना है मेडिसिन, ग्लाइम्प्राइड भी आप नहीं ले सकते हो। कंजुकेटेड इस्ट्रोजेंस का अगर आप इंजेक्शन ले रहे हो या मेडिसिन यूज़ कर रहे हो या कोई क्रीम अप्लाई कर रहे हो तो वो सारी चीज़ों से आपको बचना चाहिए, ठीक है। एंड उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं, कोई भी मन में विचार है तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो और मैं आप लोगों की बहुत ही हेल्प करूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।